काल दो खतरनाक फीचर्स MIUI 10 में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलेगा मेरा ये फोन में बोलेगा और मेरे फोन का ये लाइव वॉलपेपर बोलेगा। MIUI 10 में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर। तो गाइज देख सकते हो लॉक स्क्रीन पर जो हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिलती थी पहले, लाइव वॉलपेपर काम नहीं करती थी, अब गाइज ऐसी सेटिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है, ऐसी फीचर्स MIUI 10 की डिवाइस में देखने को मिल रही है कि लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर भी काम करेगी, लाइव वॉलपेपर भी काम करेगी और कोई सा भी वॉलपेपर गाइज हम लोगों को MIUI 10 के डिवाइस में काम करेगी। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि लॉक स्क्रीन पे काम कर रही थी। मैं अब अपने फोन को अनलॉक कर देता हूँ। तो गाइज देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने फोन में लाइव वॉलपेपर यूज कर रहा हूँ और खुद की वीडियो में यूज कर रहा हूँ, खुद की लाइव वॉलपेपर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो गाइज आप भी चाहे तो आप भी अपने फोन में किसी भी वॉलपेपर को, किसी भी वीडियो को लाइव वॉलपेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गाइज इसे करने के लिए हम लोग अपने डिवाइस को रूट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए ओनीटॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पाइए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने फोन में कैसे लाइव वॉलपेपर को यूज कर सकते हैं। के लिए दो सेटिंग हम लोगों को देखने को मिलती है। तो गाइज अगर मैं आप लोगों को थीम वाली एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थीम वाली जो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ ये न्यू वर्जन हम लोगों को देखने को मिलती है, जिसकी APK रिलीज हो चुकी है, लीक हो चुकी है। अगर मैं इसका वर्जन आप लोगों को दिखा देता हूँ तो गाइज देख सकते हैं मैं अपने वर्जन में थीम की जो वर्जन देखने को मिल रही है 1.5.1.5 देखने को मिल रही है। इसकी एक अपडेट भी आ चुकी है 1.5.2 की। इस थीम में हम लोग को फीचर्स देखने को मिलती है। थीम में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, वॉलपेपर में जाएंगे और गाइज यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखने को मिल जाती है माई लाइव वॉलपेपर। तो आप लोग चाहेंगे तो यहाँ से किसी भी वॉलपेपर को, यहाँ पे किसी भी वीडियो को यहाँ से हम लोग अटैच कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हम लोग इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और जहाँ भी हम लोग किसी भी वीडियोस को हम लोगों ने सेव किया अपने फोन में फोल्डर में कहीं भी रखे है गाइज, हम लोग उसे क्लिक करके हम लोग यहाँ से उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज देख सकते हैं मैंने उसी थीम को फिर से यहाँ पे एक बार अप्लाई कर दिया। और अगर आप म्यूजिक वाले बटन को अगर यहाँ म्यूट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे तो सिर्फ हम लोग को वीडियो यहाँ पर चलती, सिर्फ वीडियो प्ले होगी, कोई साउंड देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे ही अप्लाई करें गाइज हम लोग को तीन ऑप्शन देखने को मिल जाती है। आप चाहें तो लॉक स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो होम स्क्रीन में कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों जगह इसे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा गाइज अगर मैं आप लोगों को दूसरे डिवाइस में यहाँ दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं गाइज मैं अपने दूसरे डिवाइस में Redmi Y2K डिवाइस में दूसरे मेथड से यूज कर रहा हूँ और थीम एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ गाइज। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को ओल्डर वर्जन देखने को मिलती है, वर्जन दिखा देता हूँ गाइज। तो 1.4.4.0 की देखने को मिलती है जो ग्लोबल वर्जन है। तो थीम में ले जाकर अगर गाइज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को माई वॉलपेपर मूवीज देखने को मिलती है। यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ देखने को नहीं मिलती है और यहाँ पे हम लोग को प्लस का आइकॉन भी देखने को नहीं मिल रही है। थीम की नई वाली एप्लीकेशन है 1.5 वाली वर्जन में, उसमें हम लोग को प्लस की आइकॉन यहाँ पे देखने को मिलती है लेकिन ओल्डर वर्जन में देखने को नहीं मिलती है। जो ऑफिशियल वर्जन है, ऑफिशियल वर्जन में देखने को नहीं मिलती है। तो गाइज हम लोग अगर आप लोग थीम को अपडेट करना चाहते हैं तो आप लोग वो वाली मेथड को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ऑफिशियल थीम वर्जन पर रहें और फिर भी आप लोग ये वाली मेथड को यूज करना चाहते हैं तो गाइज उसके लिए सिंपली हम लोग को एक छोटा सा स्टेप फॉलो करनी होगी। उसके लिए गाइज सबसे पहले जाएंगे हम लोग अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में गाइज जाने के बाद हम लोग इस हैमबर्गर पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग शो हिडन फाइल को यहाँ से इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद गाइज देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगी। हो सकता है आपके फोन में और भी कुछ यहाँ पर हिडन फोल्डर्स की ऑप्शन देखने को मिल जाए। मेरे इस फोन में ज़्यादा हिडन फोल्डर्स नहीं है तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आपके डिवाइस में देखने को मिल सकती है। अब गाइज हम लोग जाएंगे यहाँ इस हैमबर्गर पर, क्रिएट फोल्डर करेंगे और यहाँ से गाइस हम लोग एक हिडन फोल्डर को क्रिएट करेंगे। हिडन फोल्डर को क्रिएट करने के लिए डॉट पर क्लिक करेंगे, डॉट एक्सटेंशन को लेकर यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे वीडियो वॉलपेपर के नाम से। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो चुकी है। इस तरह की अगर आप लोग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों को इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देता रहूंगा। तो गाइज प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अब गाइज इस फोल्डर को हम लोग यहां से मूव कर देंगे इस MIUI के फोल्डर में, पेस्ट कर दिया हम लोग। अब गाइज
आप लोग उस वीडियो को इस फोल्डर में, हिडन फोल्डर में हम लोग को पेस्ट करनी है, जिससे मैंने अभी रिकॉर्ड किया आप उसे भी कर सकते हैं पेस्ट, या फिर आप लोग किसी भी वीडियो को कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ DCI में, मैंने ये वाली वीडियो का भी रिकॉर्ड किया है, आप लोग कोई से वीडियो कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे मूव कर देता हूँ हिडन फोल्डर में, इस वीडियो वाले हिडन फोल्डर में इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पेस्ट हो गया यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ थीम स्टोर पर जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, वॉलपेपर में जाएंगे, और यहाँ पे जाएंगे माई वॉलपेपर एंड मूवीज। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर ये वॉलपेपर देखने को मिल गई है क्लिक वीडियो को करके। लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साउंड को म्यूट करना है तो म्यूट कर सकते हैं वॉलपेपर में, और अगर अनम्यूट रखना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो को और यहाँ से शेयर कर अप्लाई दो, कर चैनल को सकते हैं। सब्सक्राइब कर अप्लाई दो। करने के बाद गाइस होम स्क्रीन एंड वीडियो को सेट लाइक कर बोथ। दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अगर ये वाले मेथड को आप लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग या तो सिर्फ या तो होम स्क्रीन पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर दोनों जगह कर सकते हैं, लेकिन अगर थीम एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग करेंगे तो हम लोग वहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलती है। तो गाइज मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ये वाले फोल्डर को आप लोग ये वाले मेथड को यूज़ करें, लेकिन थीम वाली एप्लीकेशन काफ़ी बग देखने को मिल रही है। तो गाइज देख सकते हैं थीम अप्लाई हो गई है, लाइव वाल पेपर अप्लाई हो चुकी है। लॉक स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज इस तरह की आप और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स चाहते हैं, न्यूज़ चाहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल वाले बटन को दबाकर काला कर देना, काले वाले बटन को दबाकर नीला कर देना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन ऑलवेज स्माइलिंग।